मूवी की शुरुआत होती है पर्सियल बे से, जहां सुल्तान को दो बेटे होते हैं और उनके राज में काफी खुशहाली का माहौल होता है। एक दिन सुल्तान शर्मान अपने भाई निजाम के साथ अपने शहर के दौरे पर निकलता है। उन्हें देखकर उनकी प्रजा उनके सामने सिर झुकाए बैठी होती है, लेकिन एक बच्चा उनके रास्ते के बीच आ जाता है, जिस कारण उनका सेनापति घोड़े से गिर जाता है, जिसके बाद सेनापति उस 20 नाम के बच्चे की पिटाई करने लगता है। तभी उस बच्चे का दोस्त दास्तान वहां आ जाता है और सेनापति को रुकने को कहता है, लेकिन सेनापति अपना जुर्म ठाता रहता है। यह देखकर दास्तान उसे एक पत्थर मारता है। सेनापति की इतनी बेइज्जती देखकर सारे सैनिक उस बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन दास्तान भी किसी से कम नहीं होता और वह उन सभी से बचते हुए वहां के मकानों के छत पर भागने लगता है और एक छत से दूसरे छत पर कूदकर अपनी जान बचाता है। और यह सब कारनामा सुल्तान दूर से देख रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार वे सभी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और सेनापति के पास लाते हैं। दास्तान इस गुस्ताखी के लिए उसका एक हाथ काटने वाला होता है, लेकिन तभी उनके सामने उनका सुल्तान शर्मान आ जाता है और दास्तान से उसके और उसके माता पिता के बारे में पूछता है, लेकिन दास्तान अनाथ होता है, इसलिए सुल्तान दास्तान की दिलेरी को देखकर उसे गोद ले लेता है। अब 15 साल बीत चुके थे और सुल्तान के तीनों बेटे भी बड़े हो चुके थे, दस और गासिब और दास्तान। यह तीनों मिलकर अपने चाचा निजाम के साथ पवित्र शहर अलवत के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ निजाम अपने तीनों भतीजों को बताता है कि अलवत कभी हमारा साथी हुआ करता था, लेकिन अब वह हमारे दुश्मनों के लिए हथियार मुहैया करा रहा है, इसलिए राजकुमार तस कहता है सुल्तान नहीं चाहते कि अलमत और पर्शिया की दुश्मनी हो, इसलिए राजकुमार तस निजाम को मना कर देता है कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ेगा, लेकिन गारसिप अपनी फौज लेकर सीधे अलमत से भिड़ जाता है। यह देखकर दास्तान अपनी बेअदब फौज लेकर पीछे के किले से घुस जाता है और महल का दूसरा दरवाजा खोल देता है और उन्हें इशारा करता है, जिस कारण वे अपनी पूरी फौज लेकर अलमत पर हमला बोल देता है, जिसके बाद एक खतरनाक युद्ध होता है जिसमें कई लोगों को नुकसान पहुंचता है। युद्ध को हारता देख अलमत की राजकुमारी तमीना अपने सैनिक को एक जादुई खंजर देती है और उसे सुरक्षित ले जाने को कहती है, और जब वह सैनिक अपने घोड़े से जा रहा होता है तो उसका सामना दास्तान से होता है और दास्तान उसे काफी बुरी तरह हरा देता है और उस खंजर को अपने पास रख लेता है। इस समय तक अलमत पर पर्शिया का कब्जा हो चुका है और इस जंग को जीतने के बाद राजकुमार तस अलमत की राजकुमारी से मिलता है, जो देखने में काफी सुंदर होती है। जहां निजाम कहता है कि हमें पता चला है कि अलमत यहां हथियार बना रहे हैं और हमारे दुश्मनों को बेच रहे हैं, क्या यह सच है? राजकुमारी तमीना साफ इनकार करती है और कहती है कि हम किसी भी तरह का हथियार नहीं बना रहे और ना ही बेच रहे हैं। तभी तस कहता है अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तब राजकुमारी कहती है मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। तब राजकुमार अपने सैनिकों को उसे जान से मार देने को कहता है, लेकिन तभी वहां दास्तान पहुंच जाता है हाथ में जादुई खंजर लिए और तमीना की नज़र उस खंजर पर पड़ती है, इसलिए वह उस खंजर को पाने के लिए तस से शादी करने को तैयार हो जाती है और वे सभी अलमत की राजकुमारी को पर्शिया लेकर आते हैं। पर्शिया में काफी खुशहाली का माहौल होता है। तस सुल्तान से मिलता है, सुल्तान उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि हमारे अलमत के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे तो तुमने उन पर हमला क्यों किया? तस बोलता है कि उन लोगों ने हमारे दुश्मनों को हथियार भेजने की कोशिश की। यह सुनकर उसके पिता उस पर काफी गुस्सा करते हैं। तस कहता है वह उन्हें तब तक अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा जब तक वह अलमत के गुनाहों का सबूत नहीं ले आता, जिसके बाद तस वहाँ से चला जाता है और निजाम उसे समझाता है, जिसके बाद निजाम उसे एक लिबास गिफ्ट करता है सुल्तान के जश्न के लिए कि शायद उसके पिता इससे उसे माफ कर दे, लेकिन तस ने वादा किया था जब तक वह कोई सबूत उन्हें नहीं देगा वह उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, इसलिए वह लिबास दास्तान के हाथों सुल्तान को देने को कहता है और दास्तान को कहता है कि सुल्तान को यह भी बता देना कि मैं अलमत की राजकुमारी से शादी करने वाला हूँ, जिसके बाद दास्तान राजकुमारी और उस ड्रेस को लेकर सुल्तान के पास पहुँचता है और उस लिबास को सुल्तान को पहनाता है।
उसे पहनकर सुल्तान काफी खुश होते हैं, जिसके बाद वह तमीना से मिलते हैं। दास्तान कहता है भाई तस राजकुमारी तमीना से शादी करने वाले हैं। सुल्तान अलमत की राजकुमारी की खूबसूरती देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं तस के पास तो काफी सारी रानियां हैं और उसके पास एक भी नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी तुमसे हो। दास्तान यह सुनकर शर्मा जाता है और यह माहौल काफी खुशी भरा होता है। सभी जश्न मना रहे होते हैं। देखते ही देखते यह खुशी का माहौल गम में बदल जाता है, क्योंकि दास्तान ने जिस लिबास को सुल्तान को पहनाया था उसमें जहर लगा होता है और वह जहर एक एसिड की तरह काम करता है और सुल्तान को जलाने लगता है। गारसिप अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ जल जाते हैं। यह देखकर गारसिप अपने सभी सैनिकों को दास्तान को पकड़ने को कहता है। तभी दास्तान का पुराना दोस्त बीस उसे बचाने आगे बढ़ता है और सैनिकों के हाथों मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर दास्तान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है, लेकिन राजकुमारी उसे लेकर भागती है और दोनों खिड़की से कूद जाते हैं और घोड़े में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार तस के पास भी सुल्तान के हादसे की मरने की खबर पहुंच चुकी थी कि इसके पीछे दास्तान का हाथ है, जिसके बाद रात में दास्तान एक जगह रुकता है और वह तमीना को बताता है कि उसके पिता के मौत के पीछे उसका हाथ नहीं है, जबकि वह लिबास तो उसके भाई तस ने दिया था। लेकिन तमीना उस खंजर को पाने के लिए उसकी बातों को अच्छे से सुनती है और उसके पास आने की कोशिश करती है और खंजर को छीनने की कोशिश करती है और उस पर हमला करने की भी, लेकिन दास्तान उससे उसका खंजर छीन लेता है और जल्दबाजी में वह उस खंजर के ऊपर लगे रूबी वाले बटन को दबा देता है, जिससे वह अपने बॉडी से बाहर निकल जाता है और समय के पीछे चला जाता है। और फिर से तमीना उसके पास आती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, जहां दास्तान उसे फिर से यह सब करने से मना कर देता है, लेकिन फिर से वही सब कुछ होता है और तमीना उस पर हमला कर देती है, जिससे उसके शरीर पर तलवार लग जाता है। लेकिन दास्तान समझ चुका था कि यह कोई मामूली खंजर नहीं है और वह फिर से उस खंजर के रूबी वाले हिस्से को दबाता है और वह फिर से समय के पीछे जाने लगता है और उसके घाव भी भर जाते हैं और वह फिर से उसी समय में पहुंच जाता है। इस बार वह तमीना को पहले ही पकड़ लेता है और इस खंजर के बारे में पूछने लगता है, यह कहते हुए कि यह कोई साधारण खंजर नहीं है बल्कि जादुई खंजर है, जिसके बाद दास्तान सुल्तान के मौत के समय में जाने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी को दबाने पर भी उसमें कुछ भी नहीं होता, जिस पर तमीना कहती है तुमने इस खंजर में रखी रेत को खत्म कर दिया और यह खंजर सिर्फ जादू रेत से ही चलता है। जिसके बाद दास्तान तमीना के साथ अरबत की ओर निकल जाता है, जहां सुल्तान के जनाजे को ले जाया जाएगा ताकि वह निजाम से मिलकर इस खंजर और तस की सच्चाई बता सके, इसलिए उन्हें सभी से बचकर वहां पहुंचना होगा। इसलिए वह गुलामों की घाटी से होकर जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनका पानी रेगिस्तान की गर्मी में खत्म हो जाता है और राजकुमारी तमीना प्यासी होने के कारण बेहोश हो जाती है। यह देखकर दास्तान उसकी मदद करने को भागता है, लेकिन राजकुमारी बेहोश होने का नाटक कर रही होती है और दास्तान को धोखे से मारकर बेहोश कर देती है और तमीना उस खंजर को लेकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद दास्तान को होश आता है, जहां वह गुलामों की घाटी के सौदागर के हत्थे चढ़ जाता है, जहां उसके सरदार का नाम होता है शेख अमर और उसका एक राइट हैंड सेसो होता है। सेसो चाकू चलाने में काफी माहिर होता है, जहां दास्तान उन्हें सोने और चांदी का लालच देकर उनसे तमीना को पकड़वाता है, जिसके बाद वे लोग शुतुरमुर्ग के दौड़ वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहां दास्तान तमीना के गले में बंधा हुआ जादुई रेत देख लेता है और वह उससे छीन लेता है, जिसके बाद दास्तान तमीना के बदले अपनी जान का सौदा करता है, जहां तमीना को शुतुरमुर्ग के दौड़ के बीच लोगों को शराब बांटने का काम में रखा जाता है। लेकिन शेख कमर को दास्तान के बारे में खबर हो चुकी थी कि वह एक भगौड़ा है जिस पर सुल्तान के हत्या का आरोप है, इसलिए वह अपने राइट हैंड दास्तान को पकड़ने को कहता है ताकि वह राजकुमार ताज से अच्छा मुनाफा कमा सके। लेकिन तभी तमीना शुतुरमुर्ग के बाड़े को खोल देती है और सारे शुतुरमुर्ग बाहर की ओर भागने लगते हैं, जिसके कारण महाभगदड़ मच जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर दास्तान अपने खंजर को लेकर वहां से भागता है और तमीना भी उसके साथ भागती है, जिसके बाद वे लोग अरबत पहुंचते हैं, जहां दास्तान अपने चाचा निजाम से मिलता है और उन्हें उस खंजर के बारे में बताता है और तस के बारे में भी बताता है कि उसी ने वह लिबास उसे दिया, जिसके बाद दास्तान खंजर अपने झोले से निकालता है, लेकिन उस खंजर के बदले कुछ और ही निकलता है, यानी कि तमीना ने उसे बेवकूफ बना दिया और उस खंजर को ले गई, जिसके बाद दास्तान अपने चाचा
के हाथों को देखता है जो बुरी तरह जले हुए थे। इसके बारे में पूछने पर निजाम कहता है कि वह सुल्तान को बचाते वक्त उसके हाथ जल गए, लेकिन तभी दास्तान को याद आता है कि सुल्तान को बचाते वक्त तो गारसिप के हाथ जले थे और निजाम तो वहाँ था ही नहीं। इसका मतलब तुम्हारे हाथ लिबास में जहर लगाते वक्त जले होंगे। तभी दास्तान पर निजाम के सैनिक हमला कर देते हैं और दास्तान अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और काफी जद्दोजहद के बाद वह अपनी जान बचा पाता है, जिसके बाद शाम में निजाम तस से मिलता है और दास्तान के बारे में बताता है कि आज वह मुझे मारने आया था, इसलिए तुम तुरंत उसे देखते ही मार डालने का फरमान जारी कर दो। लेकिन तस उसे पूरे नियम कानून के अनुसार सजा देना चाहता था, इसलिए वह उसे सिर्फ बंदी बनाने का फरमान जारी करता है। निजाम को अपना भांडा फूटता देख नजर आता है, इसलिए वह पर्सिया की गुप्त कत्तिलाना फौज को हसन सिंह को दास्तान को मारने का ऑर्डर दे देता है और उस जादुई खंजर को उसके पास लाने को कहता है। इसका तिलाना फौज को सुल्तान ने रद्द कर दिया था, लेकिन निजी मामलों को निपटाने के लिए निजाम ने इसे अभी भी छुपाकर शुरू किया था। दूसरी ओर दास्तान तमीना के घोड़े के पैरों के निशान को देखते हुए उस तक पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि आखिर निजाम इस खंजर के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि इस खंजर की मदद से तो वह कुछ समय ही पीछे जा सकता है, तो आखिर उसे यह खंजर क्यों चाहिए। तब तमीना दास्तान को बताती है कि अलमत शहर के नीचे एक प्राचीन मंदिर है जिसमें एक रेत की घड़ी है और उस घड़ी की मदद से इस खंजर को हम जितनी चाहे उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनते ही दास्तान को अपने पिता द्वारा सुनाई हुई एक कहानी याद आती है जिसमें उसके चाचा और उसके पिता हिरन का शिकार कर रहे होते हैं और तभी एक शेर उन्हें पीछे से हमला कर देता है और सुल्तान की जान उनका भाई निजाम बचाता है। अगर वह समय में पीछे जाकर उस समय को बदल दे तो सुल्तान की मौत हो जाएगी और उसके बदले निजाम सुल्तान बन जाएगा। यह सुनकर तमीना उसे एक और बात बताती है, अगर किसी ने भी उस खंजर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया तो देवताओं का श्राप उस पर बरसेगा और सारी दुनिया रेत में ठहर जाएगी, इसलिए हमें उस खंजर को गलत हाथों में नहीं पड़ने देना है और इसकी सही जगह हिंदू कश शहर में है जो अलमत के पास है, ताकि यह खंजर देवताओं के पास वापस चली जाए और यह किसी गलत हाथों में ना लगे। सफर में आगे बढ़ते वक्त उनका सामना फिर से गुलामों के सौदागर शेख अमर से होता है और वह उन दोनों को बंदी बना लेता है और वे सभी फिर से अपने सफर पर निकलते हैं, जहां वे लोग रात में एक जगह डेरा डालते हैं। लेकिन रात के वक्त उन पर हसन सिंह द्वारा छोड़े हुए सांपों का हमला होता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए दास्तान उस खंजर का जलवा दिखाता है। उस खंजर के सहारे एक ही झटके में कई सारे सांपों को काट डालता है और एक सांप को तो बिना देखे ही अपने खंजर की मदद से दो टुकड़े में काट देता है, जो काफी यूनिक सीन होता है। यह देखकर शेख अमर और हसन सिंह चौंक जाते हैं कि ये दास्तान ने कैसे किया, जिसके बाद दास्तान सभी को चौंकाना करता है कि हमें यहाँ से हमें निकलना होगा, क्योंकि हसन सिंह उनके पीछे आ रहा है। जिसके बाद दास्तान शेख अमर को सोने और चांदी का लालच देकर हिंदू को शहर ले जाने को कहता है, जहां उसकी मुलाकात गारसिप से होती है और दास्तान उसे सारी सच्चाई बताता है। लेकिन गारसिप थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वह किसकी बात पर भरोसा करे, लेकिन आखिर में वह दास्तान की बात पर भरोसा करता है, क्योंकि निजान जल्द से जल्द दास्तान को मरवाना चाहता था। लेकिन तभी उस गाँव में वो लोग देखते हैं कि वहाँ के सभी लोगों को किसी ने मार डाला था और तभी उन पर भी हसन सिंह हमला कर देता है, जिसमें गासिप मारा जाता है और उनका खंजर हसन सिंह के पास आ जाता है, जिसके बाद हसन सिंह सीधे निजाम के पास पहुंचता है और अपने सांप का पेट फाड़कर उस खंजर को निकालता है और निजाम को दे देता है, जिसके बाद निजाम उसे सुरक्षित महल के कमरे में रखवा देता है। दूसरी तरफ दास्तान शेख अमर और सीसो से उसकी मदद मांगता है वह खंजर वापस लाने में। सीसो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, जिस कारण शेख अमर को भी उसका साथ देना पड़ता है। महल पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है उस खंजर को तीरताही हसन सिंह की निगरानी में रखा गया है, जो काफी खतरनाक है। यह सुनकर सीसो कहता है कि वह उसे अकेले ही संभाल लेगा और वह चुपचाप महल में घुस जाता है।
है और जबरदस्त फाइटिंग के बाद वह उस खंजर को खिड़की से दास्तान की ओर फेंक देता है और वह खंजर सीधे पेड़ में आकर घुस जाता है। लेकिन इस चक्कर में सीसो और उस हसन सिंह की मौत हो जाती है। वहाँ से दास्तान उस खंजर को लेकर अपने भाई तस के पास पहुँचता है और उसे सारी सच्चाई बताता है और कहता है, हमारे पिता का असली कातिल निजाम है और इस बात का सबूत देने के लिए मैं यह खंजर लेके आया हूँ, क्योंकि निजाम इस खंजर के पीछे है। यह कोई आम खंजर नहीं, यह एक जादुई खंजर है जिससे समय में पीछे जा सकते हैं। इसके जेवर को दबाओ तो सच जान लोगे। और अपनी बेगुनाही का सबूत देते हुए दास्तान उस खंजर को अपने सीने में मार लेता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी निजाम भी वहां पहुंच चुका होता है और कहता है कि दास्तान इस जगह आ चुका है। और वह दास्तान की लाश देखता है और कहता है, अच्छा हुआ आपने इसे मार डाला। तभी राजकुमार तस निजाम से दूर होने लगता है। दास्तान झूठ नहीं बोल रहा, यह खंजर जादुई है। और वह उस खंजर के जेवर को दबाता है और समय में पीछे चला जाता है। जब दास्तान अपनी जान लेने वाला होता है और वह दास्तान को रोक लेता है और कहता है, सच्चा राजा वह है जो सुनता है सबकी लेकिन करता है अपने दिल की। और कहता है, तुम सच कह रहे थे दास्तान, यह खंजर जादुई है। तभी निजाम वहां आ जाता है और खंजर को सामने देखकर वह तस पर हमला कर देता है, उसका गला काट देता है और उस खंजर को भी छीन लेता है और दास्तान के ऊपर हसन सिंह को छोड़ देता है, जो दास्तान पर काफी भारी पड़ने लगता है। लेकिन राजकुमारी तमीना छुपकर उस पर हमला कर देती है और दास्तान उसे खत्म कर देता है। इस समय तक निजाम को अलमत के पवित्र मंदिर के नीचे उस घड़ी के बारे में भी पता चल चुका था और वह तुरंत उस ओर निकलता है, जिसके बाद वह अपने लोगों की मदद से उस रेत की घड़ी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ दास्तान और तमीना भी रेत की घड़ी की ओर दूसरे रास्ते से पहुंचते हैं, लेकिन उनके रास्ते में काफी जाल बिछे होते हैं जिसमें दास्तान फंस जाता है और किसी तरह वह रेत की घड़ी के पास पहुंचता है। लेकिन निजाम भी वहां पहुंच चुका होता है और उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। वहां हसन सिंह का लीडर भी पहुंच चुका होता है, जहां दास्तान और तमीना मिलकर उस हसन सिंह का खात्मा कर देते हैं। और इस बीच तमीना और दास्तान एक दूसरे से अपना प्यार कबूल करते हैं, जिसके बाद वे दोनों रेत की घड़ी के पास पहुंच चुके होते हैं और वहीं पर निजाम भी आ चुका होता है, जहां उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। इस बीच निजाम दास्तान को घायल कर देता है, लेकिन निजाम को रोकने के लिए तमीना आ जाती है, लेकिन निजाम उसे भी नीचे धकेल देता है, जिस कारण तमीना खाई में गिर जाती है। यह देखकर दास्तान को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वह अब उससे प्यार करने लगा था। और दास्तान अपनी बची खुची ताकत लगाकर फिर से निजाम से लड़ने पहुंच जाता है। इस बीच निजाम उस खंजर को रेत की घड़ी में गाड़ देता है, जिस कारण उस खंजर से रेत निकलने लगता है और वहां पर सारी चीजें टूटने लगती हैं और काफी बड़ा तूफान उठने लगता है, जहां हम देखते हैं उस खंजर के कारण समय पीछे जाने लगता है। और वहीं दास्तान निजाम को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और अकेले ही उस खंजर के साथ समय की घड़ी में लटका होता है और उस खंजर को वहां से निकाल लेता है, जिसके बाद दास्तान समय में पीछे चला जाता है और वह उसी समय में पहुंच जाता है जब उसने पहली बार खंजर को पकड़ा था। और इस समय तक उसके पिता की मौत भी नहीं हुई थी और ना ही राजकुमारी को राजकुमार तस ने शादी के लिए पूछा था। दास्तान तुरंत दौड़कर तस के पास पहुंच जाता है और उसे रोकता है और बताता है कि अलमत के अंदर कोई भी हथियार का कारखाना नहीं है, यह सब उन्हें गुमराह करने के लिए किया गया था ताकि वह अलमत पर हमला कर सके और यह सारी साजिश करने वाले उसके चाचा निजाम हैं। यह सुनकर निजाम साफ साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। राजकुमार तस उन दोनों के बातों को सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि किस पर विश्वास किया जाए। दास्तान उसी के डायलॉग को बोलता है कि सुल्तान सुनता है सबकी लेकिन करता है अपने दिल की। यह सुनकर तस कहता है, तुम्हें यह कैसे पता, यह तो सिर्फ पिताजी ने मुझे कहा था। जिसके बाद तस उस गुप्तचर को बुलाता है जिसने उसे यह जानकारी दी थी। निजाम अपना भांडा फूटता देख दास्तान पर हमला कर देता है और दास्तान उसे बिना देखे ही रोक लेता है और उसके साथ फाइट करने लगता है और काफी आसानी से उसे मार गिराता है। अब तस को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है कि बिना मतलब हमने इस पाक शहर पर हमला कर दिया, इसलिए वह वहाँ की राजकुमारी से पहले तो माफी मांगता है और फिर से पर्सिया और अलमत के रिश्ते को जोड़ने के लिए।
वह अपने भाई दास्तान का रिश्ता राजकुमारी तमीना से करता है, जिस पर दास्तान राजकुमारी तमीना को उसका जादुई खंजर तोहफे में देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें यह रिश्ता कबूल है, और तमीना मान जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।